बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर आर से। मेरे भाइयों, ब्रेड स्नैक्स की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। हम चार पीस ब्रेड से किस तरीके से प्लेट भर के स्नैक्स तैयार करेंगे, थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ी सी गाजर वेजिटेबल भी डालेंगे, बहुत टेस्टफुल बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। आप कहेंगे कि बाबा जी बहुत मजा आ गया जब चाय के साथ इसको लिया या अपनी फैमिली को आप बना करके खिलाएंगे, ये टेस्टफुल स्नैक की रेसिपी किस तरीके से तैयार होगी मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। स्नैक्स तैयार करने के लिए इसके साथ का चॉपर ले लिया, ये दरमियाने साइज के 5 स्लाइस ले लिए ब्रेड के, इनको इस तरीके से तोड़ लिया, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे चॉपर में डाल दिया और इनको अब हमने चॉप कर लेना है इस तरीके से। ब्रेड को चॉप कर लिया इस तरह, यहाँ एक बॉल में डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। और चॉपर को वापस लगा देंगे यहाँ पे। इस चॉपर के अंदर अब हम क्या चीज शामिल करने लगे हैं, एक अदद सब्ज मर्च, बस एक सब्ज मर्च जो कड़वी काम होती है, दो पीस कर दिए। ये बंद गोभी थोड़ी सी, ये देखें, ये बंद गोभी थोड़ी सी शामिल कर देंगे, जरा सी, ये देखें इतनी सी। साथ में आधी गाजर, ठीक हो गया, गाजर का सीजन है, इस्तेमाल किया करें गाजरें इस तरीके से। और इन सब चीजों को भी हम चॉप कर लेंगे। सब्जियां भी चॉप कर ली इस तरीके से, शामिल कर देंगे अच्छे तरीके से, क्लियर करके, अच्छे तरीके से क्लियर करके हमने ये सब्जियां भी शामिल कर दी। 1 टेबल स्पून सब्ज धनिया शामिल कर देंगे इसके अंदर, कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, देखिएगा। सूजी 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे, ये 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे, नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर हम शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के शामिल कर देंगे। सब चीजों को पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सब चीजों को मिक्स करने के बाद हल्का सा पानी लगाएंगे, थोड़ा सा, ठीक हो गया, क्योंकि सब्जियों में भी पानी होता है, इस कंडीशन में आ चुका है ऑलरेडी पहले से, ये जहन में रहे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे इस तरह और इसको आटे की तरह हम गूंथ लेंगे, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया, ये आधा कप पानी का लगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, पानी ले लेंगे साथ, हाथों को इस तरीके से थोड़ा सा गीला कर लेंगे, एक इस तरीके से बॉल ले लेंगे, एक और बॉल ले लेंगे इस तरीके से, दो बॉल लेके जिस तरीके से मोतीचूर के लड्डू बांटते रहे। ओ बाबा, स्नैक बना रहे हो, मोतीचूर के लड्डू बना रहे हो भाई, देखो तुसी की बांट रहे हैं इस तरीके से करके। और इस तरीके से लड्डुओं की तरह इसको गोल कर लेंगे, देखे इस तरीके से गोल हो जाएंगे बहुत खूबसूरत से, ये देखे, ये तमाम इस तरीके से हम यहाँ बना के रख लेंगे। और जब तक हम ये बनाएंगे, हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम ऑन रहेगा और कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, फ्रेश वाला, चस्के वाला है, और इसके अंदर डाल देंगे, ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और ये स्नैक्स की बॉल्स भी तैयार कर लेंगे। तमाम स्नैक्स इस तरीके से हमने बॉल्स की शक्ल में रेडी कर लिए, बॉल छोटी या बड़ी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम रहेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से यहाँ पे डालेंगे, ठीक हो गया। डालने के बाद फौरन नहीं छेड़ेंगे, एक मिनट कुक होने देंगे, उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे, इसको हिलाएंगे, ठीक हो गया, इस तरीके से डाल देंगे और एक मिनट के बाद मिलेंगे, मीडियम फ्लेम रहेगा। एक मिनट के बाद पैन को ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से इस तरीके से, हल्का सा इस तरीके से हिलाएंगे, बॉल्स है ना, ये खुद ही घूम फिर जाएंगी, आयल ऊपर चला जाएगा। अगर आपको इस तरीके से करते हुए कोई मुश्किल पेश आ रही है या टेंशन हो रही है, फिर आप इस तरीके से चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इस तरीके से। और इस तरीके से हम कुक करते रहेंगे और इनका जो फ्राई टाइम है वो 4 मिनट है, 4 मिनट में ये कलर पकड़ लेंगे, 4 मिनट के बाद मिलेंगे। 4 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे निकाल लेंगे स्टेनर में, कोई मसला नहीं है। बहुत कमाल के स्नैक्स तैयार होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लुक वाइज भी खूबसूरत लगेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पर तकरीबन हम 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसका ऑयल को ड्रेन होने के लिए। डिश आउट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से, खस्ता बनेंगे, खस्ता कमाल के तैयार होंगे, गल समझ आ रही है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, सुभान अल्लाह, इस तरीके से एक इत्थे रख देंगे, कोई मसला नहीं, इस तरीके से ये हमारे स्नैक्स डिश आउट होंगे। यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, कैचअप डालेंगे इस तरीके से, इसको लगाएंगे इस तरीके से, गल समझ आइए, इसको यहाँ रख देंगे और कमाल के तैयार होंगे, खस्तापन कितना देखें,
मेरे भाइयों, अंदर से जूसी बाहर से खस्ता। अगर आपको हमारी ये फटाफट से तैयार होने वाले ब्रेड स्नैक्स की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, रिश्तेदारों अजीजों में शेयर कर दिया करें। मेरे भाइयों, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।